जो रजिस्ट्रेशन को लेकर भी जो लोगों को दिक्कत आ रही कि अप्रूवल उन्हें समय पर नहीं मिलती। देखिए, उसमें जो बॉर्डर पे रजिस्ट्रेशन का विषय है वो इसलिए हम आवश्यक महसूस कर रहे हैं कि कांटेक्ट ट्रेसिंग इसमें बहुत आवश्यक है और उसके कारण हम इफेक्टिवली कर पा रहे हैं, नहीं तो आने जाने वालों का कोई रिकॉर्ड ही हमारे पास नहीं होगा। दूसरी बात, थोड़ी बहुत कठिनाई हो रही है और इसके लिए हमने आज डिप्टी कमिश्नर्स को कहा कि इसको और सरल कैसे किया जा सकता है, मॉनिटर कैसे किया जा सकता है ताकि जो आ रहा है उसकी रजिस्ट्रेशन हो और उसके बाद उसको परेशानी ना हो, उस बात को सुनिश्चित किया जाए। दूसरी, जहाँ अनलॉक फेज 4 का जिक्र कर रहे हैं उसमें बहुत चीज़ों को लेकर के अभी तक हमने ज़्यादा नहीं खोला है सारा विषय, इतना ज़रूर है कि आने वाले समय में SOP अब जारी करके मंदिरों को खोलने का विचार चल रहा है, लेकिन अभी जल्दी नहीं, उसमें भी थोड़ा सा वक्त लगेगा क्योंकि ऐसे भी आजकल के दिनों में हमारे मंदिरों में बहुत ज़्यादा काम नहीं होता है, विशेष तौर से काला महीना बोलते हैं शायद इसको मेकल में, तो उस कारण से, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमारी तैयारी जो है उस दिशा में आगे बढ़ रही है। सर, देश की GDP माइनस में चली गई है, हिमाचल अलग तरह की परिस्थिति पूरी दुनिया देश के सामने है और ऐसे में आर्थिकी बहुत संकट में आई है पूरे देश की, प्रदेश की भी और उसमें, लेकिन उसके बावजूद भी जो संभवता जो किया जा सकता है वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ रही हैं और मैं ये देख रहा हूँ कि पहले हमारे हिमाचल प्रदेश में होटल इंडस्ट्री जो है बहुत ज़्यादा उत्साह के साथ आगे नहीं आ रही थी, विरोध कर रही थी काफ़ी हद तक, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि बरसात के बाद जो है वो हम जो है होटल खोलने के लिए तैयार हैं और उसमें हम थोड़ा अब SOP में कुछ तब्दीलियां की हैं, चेंजेस की हैं और मुझे लगता है ठीक हो जाएगा। सर, जो अनस्पेंट मनी है, अनस्पेंट मनी है उससे लेकर 20,000 करोड़ तक की जो प्रदेश में है, तो नहीं देखिए उसमें हमारा उसमें कहना है कि डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हमारी प्रभावित नहीं होनी चाहिए। उसके लिए जब हमारे पास इस वक्त पूरे देश भर में ऐसी स्थिति है, प्रदेश में ऐसी स्थिति है, जब आर्थिक तंगी के दौर में से गुजर रहे हैं, तो उस पैसे का यूटिलाइजेशन मैक्सिमम कैसे कर सकते हैं जिसके कारण डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हमारी प्रभावित ना। तो स्कूल्स को लेकर एक केस के बाद, तो हम जल्दी जल्दबाजी में नहीं है, हमारा अभी 17 भी मानसून सत्र आ रहा है 7 तारीख से, उसके बाद विचार करेंगे खुला। थैंक यू।